हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राज दाइमा स्वागत करता हूँ आपका दाइमा इंग्लिश क्लासेस में। इस वीडियो में इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कि आपको पता है 26 लेटर्स होते हैं, 26 वर्ण होते हैं। ये जो 26 लेटर्स होते हैं इन्हीं को इंग्लिश अल्फ़ाबेट बोला जाता है, जिसको आप ए बी सी डी भी बोलते हैं। दाइमा इंग्लिश क्लासेस में स्वागत है आपका। फ्री एकदम है सारी क्लासेस यहाँ यूट्यूब पर। सभी क्लासेस की इंग्लिश यहाँ पर पढ़ाई जाती है और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी यहाँ पर करवाई जाती है। अगर आप टेलीग्राम चैनल चलाते हैं तो दाइमा क्लासेस वहाँ सर्च करके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट सीखने की तरफ। सबसे पहले लिखने के लिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होती है यानी कि वर्णमाला होती है, अल्फ़ाबेट को वर्णमाला कहते हैं। लिखने के लिए एक निश्चित तरीका होता है। जैसे अगर हम फोर लाइन्स अगर माने तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो ऊपर की थ्री लाइन्स में लिखे जाते हैं। जैसे फर्स्ट लाइन ये है, सेकंड लाइन ये है और थर्ड लाइन ये है। तो अंग्रेजी की वर्णमाला को लिखने का ये तरीका है, कैपिटल लेटर्स को हम ऊपर की तीन लाइंस जो होती हैं उनमें हम लिखेंगे। इसको अगर हम उच्चारित करें, इसका उच्चारण करें, ये सबसे फर्स्ट जो लेटर होता है इसको हम ए पढ़ते हैं। आप भी मेरे साथ पढ़ेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से ये 26 लेटर्स हो जाते हैं। इनको कहा जाता है कैपिटल लेटर्स यानी कि बड़े अक्षर, बड़े वर्ण। और ये कहाँ इसका इनका प्रयोग कहाँ होता है वो भी मैं बता देता हूँ। इनका प्रयोग होता है जब भी आप इंग्लिश का कोई भी वाक्य लिखेंगे तो जो फर्स्ट वर्ड आप लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल होगा। नाम का जो पहला अक्षर होता है वो भी कैपिटल होता है। तो इस तरह से हम शॉर्ट फॉर्म्स लिखते हैं उसमें भी कैपिटल लेटर्स का प्रयोग, एब्रीविएटेड फॉर्म्स जो होती हैं, जैसे हम लिखें यू ए ई, जैसे हम लिखें यू के, ये कैपिटल लेटर्स का प्रयोग हम इनमें लिखेंगे। अगर हम किसी का नाम लिखते हैं, किसी का भी अगर हम नाम लिखते हैं तो भी हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग करते हैं। से अगर मैं यहाँ पर किसी का नाम लिखूँ रोहन, तो आर को मैं कैपिटल में लिखूंगा, ये इस तरह से हो जाएगा रोहन। पोइम जो होती है, पोइम की हर लाइन का फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, वो हमेशा कैपिटल होता है। तो ये तो कैपिटल लेटर्स हमने देखे थे, एक बार फिर से देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये इनका उच्चारण होता है। वर्ड्स जो बनाते हैं वो हम इन्हीं लेटर्स से बनाते हैं। तो कैपिटल लेटर्स जो होते हैं वो चार लाइन में कैसे लिखते हैं वो तो मैंने बताया, एक लाइन में इनको किस तरह से लिखा जाता है। अगर हम देखें तो ऊपर वाली जो लाइन होती है और नीचे वाली जो लाइन होती है उसमें ऊपर वाली लाइन से हम थोड़ा सा नीचे इसको हम लिखते हैं इस तरह से, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई
JKLMNOPQRSTUVWXYZ। इस तरह से हम एक लाइन में लिखते हैं। अब हम देखते हैं कि वर्ड में इनको पढ़ते क्या हैं, इनको पढ़ते क्या हैं। जैसे ए है तो ए को हम जनरली या तो ए पढ़ते हैं, ए को या तो हम ए पढ़ते हैं, या फिर इसको आ पढ़ते हैं, या फिर इसको ए पढ़ते हैं। ए भी पढ़ते हैं, आ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। बी को हम ब पढ़ते हैं। सी जो होता है इसको हम स भी पढ़ते हैं, क भी पढ़ते हैं, और एच के साथ जब ये आता है तो इसको हम च भी पढ़ते हैं। डी को हम ड पढ़ते हैं। ई जो होता है इसको हम ई भी पढ़ते हैं, अ भी पढ़ते हैं और ए भी पढ़ते हैं। इसको हम फ पढ़ते हैं, इसको हम ज भी पढ़ते हैं जी को, और ग भी पढ़ते हैं। एच को है पढ़ते हैं। आई जो होता है इसको हम आई भी पढ़ते हैं और ई भी पढ़ते हैं, और कई जगह पर ये अ भी पढ़ा जाता है। इसको जे, जे से ज की साउंड आ रही है तो ज हम इसको पढ़ेंगे। क एल, ए जो स्टार्ट का ए होता है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता, हम इसको ल पढ़ते हैं। एम को म पढ़ते हैं, एन को न पढ़ते हैं, ओ को हम ओ भी पढ़ते हैं, अ भी कभी कभी इसको हम पढ़ते हैं, और कई जगह ये ऊ भी पढ़ा जाता है। जैसे वूम्ब होता है, WOMB, तो उसमें हम वूम्ब इसको पढ़ते हैं, वॉम्ब नहीं पढ़ते। तो कई जगह पर ओ पढ़ा जाता है, कई जगह पर अ पढ़ा जाता है, कई जगह पर इसको ऊ भी पढ़ते हैं। ये प पढ़ा जाता है, एंच के साथ इसको फ भी पढ़ते हैं। पी एंच लगा दें अगर तो हम इसको फ पढ़ेंगे। क्यू को हम क पढ़ते हैं। ज़्यादातर उर्दू के जितने भी शब्द होते हैं उनमें अगर क अगर हम लिखें तो क जो होता है वो क्यू से लिखा जाता है। ये र, इसको एस को हम पढ़ेंगे स, टी को पढ़ेंगे ट, यू को य भी पढ़ा जाता है, अ भी पढ़ा जाता है और ऊ भी पढ़ा जाता है। वी को हम पढ़ते हैं व, डब्ल्यू को ड, ड नहीं पढ़ेंगे, डब्ल्यू को व पढ़ा जाता है। मुंह को राउंड करके इसको हम पढ़ते हैं व, यहाँ से ही लिख देता हूँ व। क्ष जो होता है इसको हम क्ष भी पढ़ते हैं और कई जगह पर ये ज भी पढ़ा जाता है। य इसको हम पढ़ेंगे और ये ज इसको हम पढ़ेंगे। वाई को य पढ़ा जाता है, कई जगह ये छोटी ई की मात्रा लास्ट में जब आता है तो ई की मात्रा भी, ये ई की मात्रा का भी काम करता है। जैसे बी ए बी वाई लिखें तो वे भी, इसको हम ज पढ़ते हैं। तो फिर से हम देख लेते हैं, इसको हम पढ़ेंगे अ आ ए, इसको ब स क च ड ई अ या ए, फ ज या ग, ज या ग, है आई भी पढ़ते हैं, ई भी पढ़ते हैं और अ भी पढ़ते हैं। ये ज क ल म न ओ अ या फिर उ, इन तीनों में से कोई भी एक। प फ भी इसको पढ़ते हैं, एच के साथ फ पढ़ा जाता है। क र स ट यू और उ, व व, क्ष ज य और ज। इस तरह से हम इंग्लिश अल्फाबेट को हिंदी में जब हम पढ़ेंगे, इनका उच्चारण जब करेंगे तो वर्ड्स में इस तरह से पढ़ेंगे। नेक्स्ट इसमें हम देखते हैं, इनकी पहचान आपको करनी है। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि ये क्या है। जी, आर, आर को क्या पढ़ेंगे, र। ये क्या है, जी एन, और एन को क्या पढ़ेंगे, न। सी, इसको स भी पढ़ेंगे क भी पढ़ेंगे। ये भी देखिए ये क्या है, एक्स। ई, यू, जी, एच, जेड, जे, के, पी, म या एम, बी, ओ, एल, क्यू, ए, एस, टी, एफ, वी, डब्ल्यू, डी, वाई, आई। इस तरह से हमने इनको पहचाना। एक बार फिर से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वीडियो को बैक ले जा करके इसको फिर से दोहरा सकते हैं, पहचान कर सकते हैं इंग्लिश कैपिटल लेटर्स की। अगला लेटर लिखो, ये एक्सरसाइज है।
आर के बाद कौन सा आता है वो आपको यहां पर भरना है। आर के बाद आता है एस, सी के बाद डी, ई के बाद एफ, जी के बाद एच, जे के बाद के, पी के बाद क्यू, बी के बाद सी, एल, एल के बाद एम, ये क्या है ए, ए के बाद बी, ये क्या है टी, टी के बाद यू, वी के बाद डब्ल्यू, डी के बाद ई। इस तरह से आपने ये पहचान की है, अगला लेटर आपने लिखा है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप सीख चुके हैं इंग्लिश अल्फाबेट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं स्मॉल लेटर्स की तरफ। स्मॉल लेटर्स जो होते हैं ये भी कैपिटल लेटर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन इनकी बनावट अलग होती है, उच्चारण सेम होता है, इनका भी उच्चारण वही होता है जो कैपिटल लेटर्स का होता है, बनावट में थोड़ा सा फर्क है। कोई भी वर्ड अब जब जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट लेटर जो होता है, सेंटेंस जब हम लिखते हैं तो फर्स्ट वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है, प्रथम अक्षर, वो हमेशा कैपिटल लेटर में होता है। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें ही इज ए, ही इज अ बॉय, तो यहाँ जो फर्स्ट लेटर हमने लिखा वो कैपिटल लेटर में आएगा। कोई भी सेंटेंस आप जो भी लिखेंगे उसका फर्स्ट जो लेटर है वो कैपिटल होगा। ये यहाँ इसकी उपयोगिता है कैपिटल लेटर की। चलिए इनको भी हम देख लेते हैं। फोर लाइंस हैं। सबसे पहले फोर लाइंस में हम देखते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसमें हम क्या करते हैं कि कुछ लेटर्स होते हैं, कुछ ए बी सी डी के अक्षर होते हैं जो ऊपर की तरफ जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो नीचे की तरफ आते हैं। तो ये हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कि बीच की जो दो लाइंस होती हैं इन दो लाइंस में कौन कौन से लिखे जाते हैं, ऊपर की जो तीन लाइंस है उसमें कौन कौन से लिखे जाते हैं, और नीचे की जो तीन लाइंस हैं, नीचे वाली, जैसे ये है जी, इसको नीचे तीन लाइंस में लिखा गया। तो ये ध्यान में रखते हुए अपने को बिल्कुल सावधानी पूर्वक इसको लिखना चाहिए। ये चार लाइंस के बारे में बता रहा हूँ। ये है ए, दो लाइंस में लिखा जाता है ए, बी ऊपर की तीन लाइंस में लिखा गया है, यहाँ ध्यान रखना है। फिर सी नीचे बीच में लिखा गया, डी ऊपर की तीन लाइन में लिखा गया है, ई ये बीच की दो लाइंस में है, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड। तो जितने नीचे की तरफ हैं उनमें इन इनको आप अलग से याद कर लीजिए, जो ऊपर की तीन लाइंस में हैं उनको अलग से याद कर लीजिए, ऊपर की जो तीन लाइंस में लिखे जाने वाले हैं उनको हम अलग कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे ये है बी डी, यहाँ लिख लेते हैं ऊपर वाले, ऊपर जो लिखे जाते हैं ऊपर की तीन लाइन, ऊपर की तीन लाइन में कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले इसमें आता है बी, फिर इसमें आता है डी, बी और डी। इसको हटा देता हूँ। तो ऊपर की तीन लाइन में आने वाले जो हैं वो है बी, इसके बाद में इसमें ऊपर की तीन लाइन में आता है डी, फिर आता है क्या आता है देखिए एफ, फिर क्या आता है ऊपर की तीन लाइन में एच, फिर क्या आता है ऊपर की तीन लाइन में एच के बाद के, फिर एल, उसके बाद टी, ये ऊपर की तीन लाइंस में आते हैं। कितने हो गए, वन,
टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यानी सेवन लेटर्स ऐसे हैं जो ऊपर की तीन लाइन में आते हैं, ऊपर की तीन लाइन्स। इसके बाद हम देखें नीचे की तीन लाइन्स में, तो नीचे की जो थ्री लाइन्स हैं उसमें देखो, एक तो ये रहा जी, एक ये रहा जे, इसके बाद में पी, फिर इसके बाद में क्यू, और फिर उसके बाद में वाई, यानी कि फाइव ऐसे हैं जो कि नीचे की तीन लाइंस में आते हैं, बाकी सारे जितने भी बचते हैं वो बीच की दो लाइन में आते हैं। अब आप इसको याद कर सकते हैं इस तरह से, बी डी एफ एच के एल टी, पांच सात बार अगर आप बोलेंगे बी डी एफ एच के एल टी तो ये याद हो जाएंगे, और लिख करके अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो दी बेस्ट है, फोर लाइन्स बना करके। तो ये तो स्मॉल लेटर्स की बात हुई थी, एक लाइन में स्मॉल लेटर्स को किस तरह से लिखते हैं वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक लाइन में कि जैसे ये दो लाइन्स हैं, ऊपर की लाइन है और ये नीचे की लाइन है, तो हम यहाँ यहाँ इसको बीच का मान लेंगे, यहीं पर बीच की जो दो लाइन्स है वो इसको बीच मान लेंगे। तो सेम वैसे ही है, नीचे जो जाएंगे उसको इस लाइन के नीचे की तरफ लेकर के आना है, ऊपर जो जाएंगे उनको हम ये जो बीच हम मान रहे हैं यहाँ इससे थोड़ा सा ऊपर की तरफ लेकर के यहाँ तक जाना है, पूरा टच इसमें नहीं करवाना है। तो यहाँ तक ही हम इसको ले लेंगे, यहाँ तक, जैसे ये बी है ये डी है, यहाँ तक पूरा ऊपर तक लेकर ऊपर वाली लाइन के टच नहीं करेंगे। तो ये एक लाइन में लिखने का तरीका है, आप इसको देख करके लिख सकते हैं। ये ए है, ये बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी नीचे की तरफ आता है, क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। इस तरह से ये इंग्लिश की अल्फाबेट में स्मॉल लेटर्स कहलाते हैं। स्मॉल स्मॉल मतलब छोटे, और लेटर्स का मतलब अक्षर या वर्ण जो भी है। हिंदी में अक्षर अलग होते हैं, वर्ण अलग होते हैं, अंग्रेजी में ऐसा कुछ है नहीं, आधे उसमें होते हैं हिंदी में, लेकिन इसमें अंग्रेजी में आधे नहीं होते हैं। तो अक्षर बोलो या वर्ण बोलो एक ही बात है लेटर्स को। वैसे अक्षर अगर हम बोलेंगे तो वो सिलेबल्स कहलाएंगे, ये बाद की बड़ी बातें हैं, ये हम यहाँ पर नहीं देखेंगे, इंग्लिश वर्णमाला को ही हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस देंगे। तो ये स्मॉल लेटर्स थे। स्मॉल लेटर्स में अब यहाँ पर बात आ जाती है पहचान की। तो ए इसके बाद का भरना है आपको, ये फिल करना है यहाँ पर। ए के बाद क्या आएगा, बी, सी के बाद क्या आएगा, डी, ई के बाद क्या आएगा, यस एफ, जी के बाद एच, आई के बाद जे, ऊपर की तरफ बड़े लिखते हैं इनको, इनके बराबर नहीं लिखे, ऊपर की तरफ लाएंगे, एल इनके बराबर, एन ओ के बाद में पी नीचे की तरफ आएगा, पी क्यू नीचे की तरफ आएगा, आर एस टी ऊपर की तरफ जाएगा, वी इनके बराबर, एक्स इनके बराबर, जेड भी इनके बराबर। इस तरह से ए से लेकर के जेड तक हमने यहाँ पर लिख दिया है स्मॉल लेटर्स को। तो इस वीडियो में इतना ही, हमने इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स हमने सीखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में ए से लेकर जेड तक जो स्पेलिंग्स होती हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। संडे मंडे जनवरी फरवरी फ्रूट्स वगैरह के नाम जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।